सर्वोदय नमस्कार स्टूडेंट्स, आई अरविंद कुमार। मैंने स्टैंडिंग इन द सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस व्हिच इज टेलीस्कोप प्लांट। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस चैप्टर इन माय ऑडियो क्लिप। नाउ आई एम गोइंग टू टीच दिस चैप्टर एंड गिव यू द शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर ऑफ टेलीस्कोप प्लांट्स। एज ऑल वी नो दैट प्लांट्स आर वेरी यूजफुल थिंग फॉर अस। प्लांट्स इज अ लिविंग थिंग एंड वी human beings and animals are also living things, but plants gives us food to survive। plants jo hai hum log ko food deta hai, iske karan hum log survive kar sakte hain। plants hum log ko bahut kuch deta hai hamare daily life mein। hum log aas paas mein bahut sare aise cheez dekhte hain jo hume plant provide karta hai, to isliye hum log bol sakte hain ki plants jo hai wo hum log liye bahut useful hota hai। now talking about the plants gives us food, plants jo hum log ko food provide karta hai, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, नट्स, स्पाइसेस, बीवरेजेस, सुगर एंड वाइन, दिस ऑल थिंग आर प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स। ये सारे थिंग जो है वो हम लोग को प्लांट्स के द्वारा मिलता है और मतलब प्लांट्स को अपने प्लांट्स जो हम लोग को फूड देता है, जो हम लोग खाने के पर्पज में यूज करते हैं प्लांट्स के हर एक पार्ट को, जैसे रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब हम लोग अपने खाने के पर्पस में यूज करते हैं। जैसे रूट्स में हम लोग कैरेट और बीटरूट यूज करते हैं अपने खाने के पर्पस में। स्टेम में पोटैटो और जिंजर, ये दोनों हम लोग अपने खाने के पर्पस में यूज करते हैं। लीव्स में कैरेट और स्पाइनेज, ये हम लोग अपने खाने के पर्पस में यूज करते हैं। फ्लावर्स में डालिया और रोज, ये है जो हम लोग अपने फ्लावर्स जो है, ये दोनों फ्लावर्स जो है वो परफ्यूम बनाने में यूज होता है और हम लोग उसको अपने यूज में लाते हैं और ये हम लोग खाने के पर्पस में भी यूज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रूट्स, फ्रूट्स में हम लोग क्या क्या खाते हैं तो हम लोग को पता है बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम लोग खाने के पर्पस में यूज करते हैं। नाउ सीरियल्स एंड पल्सेस, जैसे व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, ये सब जो है हम लोग अपने खाने के पर्पस में यूज करते हैं। ये हम लोग को मिलता कहाँ से है? प्लांट से मिलता है। प्लांट की सब सीरियल्स एंड पल्सेस, प्लांट से हम लोग को सीरियल्स और पल्सेस देता है। हम लोग को पता है कि पल्सेस जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, जितना पल्सेस जो है वो प्रोटीन फूड है। हम लोग को प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहते हैं? पल्सेस को ही कहते हैं। हम लोग को प्रोटीन लेने वाला फूड कौन है? पल्सेस। मिलता कहाँ से है? प्लांट से। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। प्लांट सीड्स कैन बी यूटेन कॉल्ड पल्सेस। प्लांट जिसके सीड्स हम लोग खाते हैं उसको हम लोग पल्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्राम हो गया, बीन्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नट्स। नट्स जो होते हैं वो हार्ड शेप के होते हैं। एग्जाम्पल में कैश्यू नट, आलमंड, ये सब ऊपर उसका जो होता है वो हार्ट से जो होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ स्पाइसेस, स्पाइसेस जो है हमारे खाना में फ्लेवर और टेस्ट ऐड करता है। स्पाइसेस ऐड द फ्लेवर एंड टेस्ट टू अवर फूड। हम लोग के खाना, हम लोग जो घर में खाना बनता है उसमें थोड़ा मिर्चा कम हो जाए, थोड़ा धनिया कम हो जाए, थोड़ा नमक कम हो जाए, तो हम लोग को लगता है कि खाना टेस्टी नहीं है। तो ये काम स्पाइसेस करते हैं, हम लोग के खाने में टेस्ट ऐड करते हैं, जिसके कारण हम लोग का खाना अच्छा लगता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बीवरेजेस, प्लांट्स हम लोग बीवरेजेस भी प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग रिफ्रेशमेंट के टाइम देते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, और प्लांट्स जो है वो कोकोआ भी प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग चॉकलेट बनाने में यूज करते हैं। नाउ शुगर, हम लोग शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर कैन प्लांट से। तो हम लोग को ये भी बोल सकते कि जो शुगर मिलता है या खाने में मिठास है वो किसके कारण है? प्लांट के कारण है। हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट जो है हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है। हम लोग सर में जो तेल लगाते हैं, जो अपने खाने के पर्पज में वाइन यूज करते हैं, वो हम लोग को कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। नाउ प्लांट जो है हम सेंटर भी प्रोवाइड करता है, जैसे बर्ड्स जो है वो नेस्ट में रहते हैं, वो कहाँ पे नेस्ट बनाते हैं? प्लांट्स पे। मंकी कहाँ पे रहते हैं? ट्री पे। तो प्लांट जो है हम लोग को सेंटर प्रोवाइड करता है। प्लांट्स की द एयर क्लीन, प्लांट्स जो है वो एयर को भी क्लीन करता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसके कारण हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है। अभी हम लोग कितना भी
बात की है सूट के बारे में बात की है, और एनिमल्स और ह्यूमन भी एक कैटेगरी में है, तो ये प्लांट्स जो हम लोग को फूड भी प्रोवाइड करता है। अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स क्या क्या है, तो प्लांट से हम लोग फाइबर बनाते हैं, प्लांट से ही हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। मेडिसिन में कौन कौन सा प्लांट यूज होता है, जैसे नीम हो गया, तुलसी। फाइबर बनाने में कौन से प्लांट को यूज करते हैं, एग्जाम्पल में जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब फाइबर बनाने में। मेडिसिन बनाने में नीम हो गया, तुलसी हो गया, ये सब प्लांट में यूज करते हैं। फूड लकड़ी से हम लोग बेंच, हम लोग के क्लास में बेंचेस चेयर ये सब लकड़ी से बनाए, ये सब हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट। पेपर प्लांट के हेल्प से बनता है, बंबू प्लांट होता है जिसके हेल्प से पेपर बनता है। टाइल्स में पेंट बनाने के लिए प्लांट यूज होता है। रबर हम लोग कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। परफ्यूम्स कहाँ से मिलता है, प्लांट के पार्ट ऑफ प्लांट फ्लावर से मिलता है। परफ्यूम्स मतलब परफ्यूम्स वगैरह भी प्लांट के हेल्प से ही बनाया जाता है। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स एंड ट्राई टू नॉट टू कट द प्लांट्स। हम लोग को हमेशा प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आसपास के एरिया में प्लांट्स लगाना चाहिए, और कट होने अगर प्लांट को कट किया जाए तो उसे रोकना चाहिए। दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, प्लांट जो है हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।